हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिवर्सिटी जिसका कि सब लोग को वेट होता है सब लोग बोलते हैं एनसीआर रीजन दिल्ली रीजन में उनको यूनिवर्सिटी चाहिए वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नैक एक्रीडेटेड ए डबल प्लस ग्रेड विच इज अमिया मिलिया इस्लामिया सो यस जामिया मिलिया इस्लामिया के फॉर्म्स नोटिफिकेशन आ चुका है एंड वील गो टू थ्रू द नोटिफिकेशन जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को ना छोड़ें फॉर्म आ चुका है नोटिफिकेशन आ चुका है चलिए देखते हैं तो दिस इज अ वेबसाइट जे आई एम सी ओ डॉट आई एन और आप इसको देख सकते हैं दिस इज दी एच डी नोटिफिकेशन और इस पी एच डी नोटिफिकेशन के बाद अगर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊँ सो दिस इज़ द लेटर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया फॉर द पी एच डी एडमिशन the online application form the phd application from the academic session 2022 and 23 will be available on the university examination website that is this website which i have told you yani form website hai, the eligible candidates may apply for the admission to the phd with effective from 21 22 11 2022 till 22 december मतलब पूरा एक महीना है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ट्वेंटी सेकेंड नवम्बर से ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अब आप बोलेंगे फॉर्म कहाँ हैं तो वो अभी हम आपको बाद में दिखाते हैं प्लीज नोट दैट ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर द एकेडमिक सेक्शन टू 21 and 22 are to apply for the PhD in 2022 and 23 दिस सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं ओनली दी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस नेक्स्ट सेशन द शेड्यूल फॉर द एडमिशन पी एच डी विल बी नोटिफाई शॉर्टली तो ये कॉपी सबको जा चुकी है और अब किस डिपार्टमेंट में आने वाला है क्या है चलिए वो भी डिस्कस करते हैं देखिए ये हैं डिपार्टमेंट्स जिसमें कि अभी पीएचडी नोटिफिकेशन ट्वेंटी सेकेंड से ऑनलाइन से हो जाएगा तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसको फिलअप करना स्टार्ट करेंगे तो पीएचडी अगर ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस की फैकल्टी में हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक्स इंग्लिश हिंदी ठीक है फिर हिस्ट्री और कल्चर डिपार्टमेंट में है इस्लामिक स्टडीज परसियन टूरिज्म हॉस्पिटल टेल्टी मैनेजमेंट उर्दू संस्कृत दैन फॉरन लैंग्वेजेज में भी आपको मिलेगा उसके बाद ऑप्शन आएंगे आपके पास फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जिसमें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं एडल्ट एंड कंटिन्यूल एज, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स सोशल वर्क सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी फिर अगर हम फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस इसमें मैक्सिमम लोग फॉर्म्स को फिल करेंगे और आपको भी ऑप्शन मिलेगा अपना फॉर्म फिल करने का बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस जियोग्राफी मैथमेटिक्स फिजिक्स ठीक है फिर आप अगर एजुकेशन से हैं तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर भी आपको बहुत ऑप्शन मिलने वाले हैं क्योंकि इसमें भी दो डिपार्टमेंट हैं सिमिलरली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं और आप आराम से पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल साइंस सभी में फॉर्म भर सकते हैं अब आ जाइए फैकल्टी ऑफ लॉ आर्किटेक्ट उसके बाद फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स इसके अंदर ऑप्शन मिलेंगे आपको आर्ट हिस्ट्री के अंदर ओनली ठीक है उसके बाद इधर तो डेंटिस्ट्री में नहीं मिलेगा फिर अगर आप सेंटर ऑफ स्टडीज में आएंगे तो कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर इंटरनेशनल स्टडीज़ मैनेजमेंट स्टडीज़ एम के लोग भी इसको भर सकते हैं फिजियोथेरेपी और इंटर रिसर्च डिफरेंट टाइप्स के इंटर डिसप्लिनरी सेंटर्स हैं इंटर डिस रिसर्च हुआ कल्चरल आर्ट्स और नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी आप यहाँ से भी पी के ऑप्शन आपको मिलेंगे मतलब तो अगर आपके पास कोई नेशनल फेलोशिप है जे आर एफ एल एस गेट डी एस टी इंस्पायर डी बी टी यू जी सी आई सी एम आर देन यू विल बी एग्जेमटेड फ्राम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन अदरवाइज एवरी वन हैव टू फेस द एंट्रेंस एग्जामिनेशन और जो एल एस के स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्जेम्पटेड हैं बट उनको एग्जामिनेशन देना चाहिए तो अभी जस्ट वेट करिए नोटिफिकेशन आने का And after that, you all will be able to fill the form online, and you will be able to see exactly how many seats are there in which department. So, all the very best to everyone. If you any regarding Jamia Miglia, Islamias related, then you can join the Telegram group. We'll resolve your issues anytime, 24 into seven. Thank you. Have a nice day. Please don't forget to subscribe the channel. Thank you.